हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक है परमानेंट और दूसरा है टेम्पररी। और परमानेंट में भी तीन तरह के, एक है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट और तीसरा है हाइपर कंजुगेशन। और टेम्पररी इफेक्ट्स में इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रोमेरिक पहले पहले हम देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट ये तब होता है जब एक बॉन्ड फॉर्म होता है दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से। चलिए पहले देखते हैं एग्जांपल। ऐसे हमारा कंपाउंड है फ्लोरोइथेन। फ्लोरोइथेन में अब कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से फ्लोरीन के ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इस CH2 पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसको क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया है इसमें, इसको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड होती है, मतलब इस साइड नेगेटिव और इस साइड डेल्टा पॉजिटिव। तो और यहां पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया डेल्टा पॉजिटिव, ये अपने एडजेसेंट कार्बन से थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है वो, तो इसलिए इसके ऊपर डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। ध्यान रहे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव कम होता है डेल्टा पॉजिटिव से, मतलब इससे क्या पता चलता है कि एज मतलब अभी जो ये मेन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है इससे जब बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता जाता है ऐसे, मतलब ये कार्बन वन कार्बन टू ऐसे, तो इसकी इफेक्ट कम पड़ती जाती है और मोस्टली आफ्टर आफ्टर थ्री चेन में आफ्टर थ्री कार्बन एटम्स इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल पड़ जाता है। तो लिमिटेशन है जस्ट थ्री अप टू थ्री कार्बन तक ही इसका इफेक्ट रहता है। तो बेसिंग ऑन द नेचर ऑफ द ग्रुप जो कि डिफाइन किया गया है जी से, जी उसमें दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे एग्जांपल्स हैं एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स लाइक मिथाइल मिथाइल इथाइल एक्सेट्रा, या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, एस्टर, हैलोजेंस जैसे फ्लोरीन क्लोरीन एक्सेट्रा, और एल्कोक्सी या फिर
array logs, etc. चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस तो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस है. हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं कार्बोक्वेटियंस, कार्बेनियंस और फ्री रेडिकल्स की. कार्बोक्वेटियंस, फ्री रेडिकल्स और कार्बन आयंस की. तो कार्बोकेटियंस और फ्री रेडिकल्स की ऑर्डर सेम रहती है, उनकी दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है. तो अब देखते हैं कार्बोकेटियन. स्टेबिलिटी ऑर्डर as the number of electron releasing groups increases. देखिए अब electron releasing groups यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन. as number of electron releasing group increases, carbocation stability increases. ये और दूसरा type of example है, एक carbocation है. ऐसे तो इसकी स्टेबिलिटी लेस देन तो एस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, कार्बोकेटियन स्टेबिलिटी बढ़ता जाता है. ऐसे तो ये दो डिफरेंट ग्रुप्स के प्रेजेंस में कैसे कार्बोकेटियन की स्टेबिलिटी होती है वो ऑर्डर से. कार्बेनियंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए चलिए पहले कार्बेनियंस की स्टेबिलिटी में. एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस, कार्बेनियन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. और एज द नंबर ऑफ As the number of electron withdrawing groups increases, carbon ion stability also increases. और यही सेम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सिमिलरली तो एस डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम द कार्बन एयर, इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से. एक इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, इंपॉर्टेंट रूल ब्रेट्स रूल. ब्रेट्स रूल ये कहता है
ये है ब्रिजिड कार्बन्स, ये और ये ब्रिज हेड कार्बन्स, ब्रिज हेड कार्बन्स ये और ये। तो ब्रिज रूल क्या कहता है, कि ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटियन फ्री रेडिकल या एक पाई बॉन्ड कार्बोकैटियन फ्री रेडिकल या एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये फॉर्म हो गया तो इसमें एंगल स्ट्रेन इतना बढ़ जाता है कि ये सिस्टम बहुत अनस्टेबल हो जाता है। इस वजह से कार्बोकैटियन फ्री रेडिकल या पाई बॉन्ड्स ब्रिजेड कार्बन्स पे फॉर्म नहीं हो सकते। इफेक्ट का एक और एप्लीकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, और इस केस में जनरली हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे। और जनरल इक्वेशन है एच ए इक्विलिब्रियम एरो गिव्स एच प्लस प्लस ए माइनस, ए माइनस है ए माइनस है कॉन्जुगेट बेस ऑफ और एसिड। तो ए माइनस की स्टेबिलिटी, ए माइनस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो इसमें के ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए एस है, और एसिडिक स्ट्रेंथ जनरली डिफाइन होता है पीके से, पीके जो कि है माइनस लॉग ऑफ के। तो पीके का वैल्यू जितना कम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रेंथ इज लेस एसिडिक देन ऐसे लिखा सकते हैं ऑर्डर एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इन दिस केस फ्लोरीन इंक्रीजेस, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी हाईएस्ट रहती है इस कार्बोक्सिलिक एसिड की। और सिमिलरली यू कैन से बेस्ड ऑन डिस्टेंस और ऐसे डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। जनरली इसमें डिस्क्राइब करेंगे एमीन्स के बारे में जनरली। तो बेसिक स्ट्रेंथ होता है
generally as the number of electron releasing groups increases, जैसे इस केस में दो इथाइल ग्रुप से इधर एक इथाइल ग्रुप ऐसे, और चेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस, जैसे इथाइल ग्रेटर देन मिथाइल एमीन और वो ग्रेटर देन होता है सिंपल एमीन से अमोनिया, जो कि ग्रेटर देन रहता है एक क्लोरो एमीन से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ऐसे जनरल ट्रेंड है। और एल्काइल एमीन्स की बेसिक नेचर ग्रेटर देन अमोनिया रहता है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन एरोमेटिक एमीन्स, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स की वजह से प्लस सही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रहती है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बेसिक स्ट्रेंथ जस्ट ये है कि जो ये लोन पेयर है इसकी डोनेटिंग एबिलिटी, तो डिपेंड करता है प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स पे। और ऑर्डर है ये एक जनरल ऑर्डर है, कुछ माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप्स के, इसमें मेनली एन के ऊपर जो भी पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ रहता है उसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर सबसे ज्यादा होती है, फिर एनओ टू, फिर सी एन। इम्पोर्टेंट ग्रुप्स मेनली होते हैं एन एच थ्री प्लस, एन ओ टू, सी एन, फिर एल्डिहाइड एकीटोन्स ऐसे, फिर एसिड, फिर हैलोजन्स के ऑर्डर एफ सी एल बी आर आई आई और ओ एच का अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है इंडक्ट इफेक्ट, फिर एल्कॉक्सी एमीन और ये फिनाइल ग्रुप है, और हाइड्रोजन का लिस्ट। और एक ग्रुप में इंडक्ट इफेक्ट फ्लोरिन का हाईएस्ट है, क्योंकि फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और अलोंग द पीरियड गोइंग टुवर्ड्स द राइट इंडक्ट इफेक्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है इन सब। यह है एक जनरल ओवरव्यू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में। तो आज हमने डिस्कस किया था इंडक्टर इफेक्ट, और कमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। थैंक यू।